डो नॉट गेट कंफ्यूज दो दिस इज नॉट इन दिलेबस अब बेटा इसमें द इमेजेस आर नॉन सुपर इंपॉसिबल देख रहे हो इमेजेज आर वॉट नॉनिटी नहीं है बेटा ये ऑरेंज बॉक्स है ना देखना दिस इज ऑरेंज बॉक्स और आप अगर प्रिफेस पर हो गए तो प्रिफेस में कैटेगरिकली लिखा गया है कि ऑरेंज बॉक्स आर ओनली फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज दे विल नॉट बी आस्ट इन द एग्जाम ठीक है सो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस आर वट वट इफ इफ द इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऐसे को क्या कहते हैं अभी किसी ने एग्जैक्ट दे गिव स्टीरियो आइसोमजाइडल किसे कहते हैं और एक आइडल किसे कहते हैं ट इजिटी एंड ए कालिटी यहाँ पे देख रहे हो ऑल द ग्रुप्स अराउंड कार्बन आर डिफरेंट इफ ऑल द ग्रुप्स अराउंड कार्बन आर डिफरेंट हाँ जी बेटा इमोज वो तो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया वट इज वट इज आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज यू नो स्कूल के टीचर्स करवा देते हैं और आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि करना है कि नहीं करना है बोर्ड्स के लिए टच भी मत करना नहीं आएगा ऑरेंज बॉक्स है ठीक है ना व्हाट इज काइडल एंड ए काइडल कौन बताएगा किस किस के स्कूल में हो गया देखते हैं बताया तो पे पे है। सर ऑरेंज बॉक्स के नहीं मैं बेटा सुपर नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा तो, तो वो स्टीरियो आइसोमर्स बनाएगा काइडल क्या होता है मैंने आपको हिंट दे दिया है सेम ठीक exactly. yeah, है ठीक yeah. है सम ऑफ देम आर द सेम नॉट ऑल ऑफ देम एक दो सेम हो सकते हैं तो काइडल का मतलब होता है आपके सारे ग्रुप्स अलग होंगे अगर आपके सारे ग्रुप्स अलग होंगे तो दे विल फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस इफ द इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजिबल दे फॉर्म स्टीरियो आइसोमर्स स्टीरियो isomers कैन बी ऑफ टू टाइप वन इज द डी एंड वन इज द एल द वन that shifts द प्लेन polarized लाइट towards द राइट इज नोन एज डी एंड द वन that shifts द प्लेन polarized लाइट towards द लेफ्ट इज नोन एज एल ठीक है बाकी इसके आइसोमर्स आपको क्या करने पड़ेंगे रटने पड़ेंगे अगर प्री बोर्ड में आएगा तो ठीक है If, if it comes in pre -board की आपका डी कौन सा है एल कौन सा है तो इक्के दुक्के जो दिए है यूल हैर्न दैट देर इज नो अदर ऑप्शन फॉर दैट ठीक है रिमेम्बर हमने ग्लूकोज में या कहा था स्टीडियो आइसोम डेक्स्ट्रोरोटरी एग्जैक्टली डी इज डेक्स्ट्रोरोटरी हाँ ये देखो ये बेटा यहाँ पे ये देखो लीवोरो ठीक है और डेक्स्ट्रो भी कहीं पे होगा और दी एल फॉर्म ओके ये रहा डेक्स्ट्रोरोटरी विच इज ऑल्सो नोन एज द डी फॉर्म ठीक है यस सर ओके अब ये ये पूरा ऑप्टिकल एक्टिविटी आपका जो है ठीक है मॉलिकुलर एसिमेट्री कालिटी एनेशियोम ओके व्हाट इज एन ये भी आप लोगों ने किया हुआ है एग्जैक्टली so, exactly. जो डी एन एल होते हैं, अगर इक्वल अमाउंट में आ जाते हैं तो दे आर नोन एज वो ये ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ना बेटा ये पूरा का पूरा यहाँ तक यहाँ तक में main चीज़ जो आपको आना चाहिए इज आपका व्हाट इज रिटेंशन ओके व्हाट इज इनवर्जन एंड व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर एंड व्हाट इज विच मिक्सचर अरे वन गेव रिटेंशन एस एन वन एस एन टू रिटेंशन इज बाय विच वन एस एन टू एस एन वन एस एन वन

I'll have to look because I did not prepare for that topic. Wait, what Die? diastereomer, Spelling? D I A? D I A. S T E? Yeah, a -g -a -a -g -a. I was wondering if you could. Yeah, Raha. A die, die, stereomer is simply an stereoisomer that is not an enantiomer.

टर्ड्स द राइट एल कहाँ पे करता है टुअर्ड्स द लेफ्ट अब जिसका जो डोमिनेंट होगा द मिक्सर विल शो टूवर्ड्स दैट ठीक है कहां पे पड़ा था ये चीज की डोमिनेस इसका था तो आपका लाइट इधर ही घुमायोमोलिक्यूल्स एग्जैक्टली बायोमोलिक्यूल्स में वॉट वॉज द थिंग दैट यूर हेट स्टार्टिड याद है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेटा बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था हाँ वो तो पता है शायद कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था शायद कोऑर्डिनेशन में यू जस्ट स्टडी डी एंड एल अब अब आते हैं अपने अगेन अगेन बेटा देव इट विल नॉट कम इन द बोर्ड्स ओके बिकॉज़ बुक में तो कहीं तो पे know, भी आई नो दैट इट्स हाँ ये the... दिस इज वट दिस इज विच आइसोमा अ ट्रांस आइसोमा ठीक है असिस एंड ट्रांस इज वट अगर डबल बॉन्ड के सेम प्लेन पे आपका ऐसे आ गया तो दिस इज नोन एज विच आइसोमा अस आइसोमा ठीक है वेन अ ट्रांस आइसोमा एंड अस आइसोमा शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी ठीक है ऐसे ना आपको याद करना पड़ेगा अब जैसे इन्होंने कहा ना आइडेंटिफाई काइडल एंड एक आइडल चलो बताओ काइडल एक आइडल कौन से है ये ए में ए में नंबर वन में विच इज काइडल विच इज एक आइडल एल एच एस आइडल सेकेंड वाला Second वाला इज a आइडल बिल्कुल सही ठीक है बिकॉज उसमें bromine सेम हो गया अब इन दोनों में बताओ इन द second वन सेकेंड का कौन सा फिगर इज एक आइडल एग्जैक्टली बेटा सेकेंड वाला ये देखना हाँ सेकेंड वाला बिल्कुल बिल्कुल सेकेंड वाला ये देखना दो कार्बन का चेन दो कार्बन का चेन सो इट बिकम्स वॉट एक आइडल यहाँ पे क्या है वन कार्बन चेन देन देट इज वन ओ एच देन देर इज वन एच एंड देन पे वन टू थ्री थ्री कार्बन का चेन all the four groups attached to this carbon are different ठीक है इस वाले में बताओ आप थर्ड वाले में सर फर्स्ट वाला थारे। थारे। नहीं इसमें भी सेकंड वाला सेकेंड। ये कर ले ये देखना फर्स्ट वाले में इस कार्बन को देखना इस कार्बन के साथ इधर पे CH3 है इधर पे H है इधर पे बी आर है और इधर पे सी टू एच फाइव है और यहां जहां पे फंक्शनल ग्रुप है इस कार्बन के साथ इधर पे एच है इधर पे बी आर है इधर पे एच है और इधर पे सी थ्री एच सेवन है ठीक है आ गया बेटा यस यस सर सर ओके अब इसमें बताओ अच्छा सल्यूशन यहां पे दिया तो है ठीक okay, the... uh, है अब ये वट डिव साइन हाँ जी बेटा in, in above, hmm. हाँ तो हमने इन्ही को तो so, डिफरेंट है कुछ बेटा so, वो, है वो सुनो सुनो ये हमने एक आइडल बताया था यहाँ पे सारे काइडल वाले हैं इसीलिए तीनों आपको अलग दिख रहे हैं यस सर ठीक है ना आप अब, अब मुझे यहां पे यह बताओ कि ये नेगेटिव और पॉज़िटिव का मतलब क्या है एग्जैक्टली exactly. ये एल ये डी अब रिएक्टेंट में लेफ्ट की तरफ रोट एग्जैक्टली लेफ्ट की तरफ रोटेट हो रहा है नहीं आप सही बोल रहे हो बेटा रिएक्टेंट लाइट अगर ऐसे आ रहा है तो लाइट को लेफ्ट की तरफ बेंड कर रहा है लेकिन जब प्रोडक्ट बना प्रोडक्ट लाइट को राइट right की तरफ बेंड करेगा ठीक है आया इसका मतलब समझ में बेटा जी सर ओके okay. अब अब आते हैं आपका इन्वर्जन इन्वर्जन भी आपको पता ही है इट बिकम्स उल्टा वी डेड इट ओके अब यहां पे भी ओके 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 एलिमिनेशन रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन तो समझ में आ गया वन कम्स वन गोज व्हाट इज एलिमिनेशन Hello, good morning. Any one of the uh, product is any one of the This is my X. X ke pass charge. Hota hai? What is the charge that X has? Negative charge. Okay. So this is electronegative. The electron density is going to shift out here. This will have a delta negative sphere. This will have a delta positive sphere. Now there are two things. One is a nucleophile and one is an electrophile. One is a what? A nucleophile and one is an electrophile. Okay. Up what is going to happen? If I'm adding, if I'm adding someone who has electrons.

बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव यहां पे आ गया है। नेगेटिव बढ़ जाएगा ये नेगेटिव और यहां वाला नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल रिपेल करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बचा बी एंड एच अदर बी एंड एच अदर ठीक है हमारे पास कार्बन में क्या हुआ कार्बन में कितने बॉन्ड हो गए डबल बॉन्ड आ गया और एक और चीज बाहर चला गया कौन सा चीज बाहर चला गया नेगेटिव बाहर चला गया एच एक्स नहीं ओनली द एक्स नेगेटिव ठीक है अब अब देखना अब अब हम इसी से इसी से हम देखना क्या कर सकते हैं आई एम आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू लाइक दिस Manlu mere OH negative Okay. or Ye mere it is like this hydrogen is here okay and then here I have my H and here I have my Cl and here is my H. We know that the electron density is going to be pulled here. If the electron density is going to be pulled here, this will become my delta negative part, this will become my delta positive part. So, this negative will be attracted towards this. When it gets attracted towards this, this bond is going to shift here. If this bond is going to shift here, this is going to go out. Now, tell me what is the product, guys? OH and H kya ho jayega? H2O. H2O bana. और फिर हमारे पास ये ऐसे बनेगा ये दूसरा बन गया देखना एक बॉन्ड दो बॉन्ड एक बॉन्ड दो बॉन्ड बीच में ये क्या आ गया बीच में क्या आ गया डबल बॉन्ड आ गया तो एल्किन बन गया और ये सी एल बाहर चला गया ये सी एल क्या हो गया बाहर चला गया ठीक है अब इसमें इसमें कौन सा एक रूल लगता है हु विल टेल मी द रूल का नेम एस से शुरू होता है हैंगमैन कहलते हैं ंगमैन का तो धजिया उड़ा दिया तुमने ठीक है इन बुक इज द स्पेलिंग इज रिटन लाइक दिस ऑल्सो ठीक है तो मो एल एग्जैक्टली जो ज्यादा एल्काइलेटेड एल्किन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा क्या होता है स्टेबल होता है ठीक है अब मैं आप लोगों को के साथ एक क्वेश्चन कर रहा हूं ठीक है मेरे पास है सी एच थ्री ओके सी एच टू एक्स एक ये है और दूसरा है मेरे पास सी एच थ्री सी एच टू सी एच एक्स सी एच थ्री ठीक है अब अगर मैं इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन करूंगा तो एक ही चीज हो सकता है ठीक है If I do an elimination reaction in this, there's only one and one thing that can happen. And what is that? Who is going to tell me what is the thing that is going to happen here? Which alkene so, are we HX going to? Do? HX. So hamara jo product bana, that will become like this. Okay. So hamara take halo, ethane se bana. halo ethane se kya bana? हेलो इथेन से क्या बना इथिन बन गया इथिन एलिमिनेट हो गया ना एलिमिनेशन का मतलब यही है ओके okay. अब बेटा अब यहां पे ये जो भाई है और यहां पे जो हाइड्रोजन है या तो ये एक्स जाएंगे या ये हाइड्रोजन जाएंगे नंबर वन नंबर टू या तो ये एक्स जाएंगे और ये हाइड्रोजन जाएंगे सो इफ आई मेक बोथ दी कंपाउंड्स कौन मुझे हेल्प करेगा फर्स्ट कंपाउंड में क्या होगा सी एच थ्री बताते जाओ सी एच थ्री सी एच ओके ठीक है दीए। हाँ? दीए। CH3. दीए। okay. यही हुआ पक्का यहां का एच कौन बताएगा हाँ यहाँ पे एच भी आएगा ठीक है अब बेटा अब मुझे दूसरा बताओ ऑरेंज वाले से क्या बनाए थ्री बिल्कुल CH2. सही ना नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन वी डिड अ वाइल अगो बिकॉज ऑफ देवीष आउट ऑफ दीज टू आउट ऑफ दीज टू हु इज गोइंग टू गिव अस एंड ट्रांस बी गिवन बाय विच वन फर्स्ट वन फर्स्ट वन फर्स्ट वन फर्स्ट वन एनी बडी हुटैंड की फर्स्ट वन से आई एम विलिंग टू एक्सप्लेन नो ओके नाउ विच वन इज मोर स्टेबल गाइस विच वन इज मोर स्टेबल ऊपर वाला या नीचे वाला दिस इज मोर स्टेबल सॉरी ऊपर वाला ये ज्यादा स्टेबल है क्यों ज्यादा स्टेबल है देखना स्ट्रक्चर बना लो C, double bond c, a h, a alkyl group, a core h, a alkyl alkylka group. So there are two alkyl groups out here. If you look at the second one, if you look at the second one, we have a c double bond c, we have an h here, we have an h here, we have an h here, and here we have a c two h five. So this compound has only two alkyl groups. Whereas the first compound has two alkyl groups. Okay. Two alkyl groups here, one alkyl group here. So obviously, the two alkyl group would be the more stable one. Now I'm trying Centering. to ha, I'm trying to teach you all what you know. I'm trying to teach all one very, very important concept which we'll be using in conversion. कन्वर्जन में रूल के अकॉर्डिंग कौन सा लगेगा जिससे हम बाद में जाके क्या कर सकते हैं वो हमें पता चलेगा ठीक है तो ये ये एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया ओके सो नाउ नाउ लेट्स लुक एट इट फ्रॉम द बुक ओके की बुक में हमें क्या दिया है एलिमिनेशन में तो ये वाला पार्ट क्लियर ओके Now, now let's come to the next part. Next part. part is ये। ये देखो, रिएक्शन देखो ब्रोमीन इज ऑन कार्बन नंबर टू डबल बॉन्ड इज ऑन कार्बन नंबर टू डबल बॉन्ड इज ऑन कार्बन नंबर वन ये सिर्फ नाइनटीन परसेंट बना ये एटी वन परसेंट बना सो इसका मतलब ये स्टेबल है एंड ये लेस स्टेबल है दिस इज लेस स्टेबल रीजन इज विच रूल ठीक है अब अब यहां पे ये जो एलिमिनेशन वर्सेस सब्सटीट्यूशन है ना ये आपका जब इथर का करोगे वेन वी डू इथर्स याद है विलियमसन सिंथेसिस यस सर ठीक है एंड एंड वी डू प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड एल्डीहाइजोन टर्शियरी जो था टर्शियरी अल्कोहल क्या देता था लेट्स सी कितने लोग रिएक्शन याद कर रहे अबे मजा आने वाला तो हेलो एल्केन मॉडल नप ए प्राइमरी अल्कोहल, no. अल्कोहल क्या देता था आई एम जस्ट कमिंग बेटा प्राइमरी एल्डिहाइड देता था प्राइमरी अल्कोहल क्या देता था एल्डिहाइड ठीक है right. सेकेंडरी क्या देता था टर्शरी क्या देता था एल्इम मतलब यानि की यानी कि यानी का एल्डिहाइड का एल्डिहाइड से बनता था एल्कोहल कीटोन से बनता था सेकेंडरी एल्कोहल ठीक है ओके और ये ऐसे इसमें इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ था इसमें एलिमिनेशन आई एम सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया है और इन दोनों में सबस्टिट्यूशन हुआ था विलियमसंस में भी देखोगे तो विलियमसंस में भी यही था विलियमसंस में वेन वी डिड इट अगर हमारे टर्शी पे अगर हमारा टर्शी पे x था तो वो क्या बना जाता था एल्कीन बना जाता था इट यूज टू मेक द एल्कीन यानी कि हु वन एलिमिनेशन वन ओवर सब्सटीट्यूशन लेकिन वहीं पे अगर हमारा प्राइमरी होता था प्राइमरी हेलाइट होता था तो प्राइमरी हेलाइट होता था तो वो इथर बनाता था प्राइमरी हेलाइट इथर बनाता था वो वन सब्स्टिट्यूशन वन ओवर एलिमिनेशन ठीक है नाउ द रीजन इज वट द रीजन इज बेसिकली द कार्बोकेटाइन रीजन इज वट कार्बो का में आपने क्या पढ़ा था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी या टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी ठीक है ना जरा यहाँ पे देखना इस इसमें अगर एक्स जाएगा, इस जाएगा तो क्या बनेगा ये टर्शरी कार्बो राइट बेटा एक्स नेगेटिव होगा ना हेल वैल के एक्स नेगेटिव तो ये क्या बनना है तो टर्शियरी कार्बोकैटायन टर्शियरी कार्बोकैटायन बनाएगा तो वो क्या कर देगा एच प्लस को रिमूव करके एल्कीन बन जाएगा ये क्या है प्राइमरी कार्बोकैटायन तो प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या करेगा सब्सटीट्यूशन कर लेगा इधर से एक ओ सी एच थ्री लग जाएगा नाउ आइडियली वन टू रिवाइज बिकॉज आप देख रहे हो कि यू नो ऑर्गेनिक क्या है ऑर्गेनिक में एवरी चैप्टर इज लिंक्ड विद एवरी अदर चैप्टर जैसे मैंने करवाना शुरू किया था ऑर्गेनिक रिविजन मैं रुक क्यों गया क्योंकि चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों ने पूरे पूरे किए नहीं है ठीक है आई कैन बेट नाइन्टी परसेंट पीपल डिड नॉट इवन रिमेम्बर विलियमसन क्या होता है अभी भी सोच रहे होंगे कि भाई विलियमसन था क्या यह पढ़ा क्या रहे हैं ठीक है तो वो क्या हो जाता है कि वो फिर जाएगा नहीं भेजे में घुसेगा नहीं ये जो एल्टीहाइट का ये करवाया इसका डिएजेंट पूछ लूंगा तो नाइनटी परसेंट है नाइनटी परसेंट ऑफ वुड नॉट इवन रिमेंबर ऑक्सीडेशन होता था तो क्या होता था डिडक्शन होता था तो क्या होता था ट्राई करें सबकी आवाज आनी चाहिए एल्कोहल से एल्टीहाइट बना रिडक्शन है ऑक्सीडेशन है reduction. एल्कोहल सी एच थ्री ओ एच से एलडीहाइड बना एच सी एच ओ क्या है थैंक यू सो मच बिकॉजन थैंक यू सो मच यू आर अंडरस्टैंडिंग वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल ओके जबकि जबकि ऑर्गेनिक फॉर पीपल हु ज्वाइन इन अप्रिल

अब रिएक्शन विद मेटल्स वन रिएक्शन बिफोर वी गो टू ग्रिग्नार्ड वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 11 क्लास 11th में वी हैव ऑलरेडी डन वन रिएक्शन विद दिस व्हिच वाज नोन एज वुड्स रिएक्शन एनीबडी रिमेंबरिंग वुड्स रिएक्शन यस सर यस बेटा बता रिएक्शन प्लस 2एनए गिव्स यू आरआर बिल्कुल सही ओके okay, ये आपका एन ए है ये आपका एन ए है ये आपका ऐसे है तो व्हाट वी हैड स्टडीड इन एक्स गया NX गया और ये आर और आर जुड़ गया तो हमारे पास वी वुड गेट डबल द नंबर ऑफ कार्बन जो हमारा नया एल्केन बनेगा याद रखना कन्वर्जन में ये क्वेश्चन है ठीक है कि डबल बनाना है डबल नंबर ऑफ कार्बन डबल दी नंबर ऑफ कार्बन होते ही इट इज वुड्स रिएक्शन ठीक है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल सी एच ओ एच दिया है और क्वेश्चन ने कहा है कि आपको इससे इथेन बनाना है आपको इससे क्या बनाना है इथेन कन्वर्जन है आप क्या करोगे बताओ कौन बताएगा क्या करेंगे, so करेंगे? नहीं करेंगे पहले एच बी आर डालेंगे एच बी आर डालेंगे है है तो सी एच सी बी आर फिर यहां पर टू मोल्स और फिर यहां पे टू मोल्स एन ए लेंगे फिर बनेगा इसे ही तो कहते हैं कन्वर्जन बस रिएक्शन याद होना चाहिए कन्वर्जन के तो 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 लिए तो आई एम स्लोली यू नो इंट्रोड्यूसिंग कन्वर्जन कन्वर्जन इज द लास्ट टॉपिक दैट आई टेक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई एम स्लोली तो इंट्रोड्यूसिंग इट टू योर नाउ ठीक है तो अब बेटा

2 benzene, okay, that is a biphenyl, diphenyl, okay, and we have two a NAX. 2 Nax, okay, this is known as a Fittig reaction, okay. Then we have one more reaction that is a Woods Fittig reaction, okay. Now, what is a Woods Fittig reaction? <laughs> एग्जैक्टली exactly. अब... exactly. अब हमें, अब हमें you know, है ठीक है? है तो हमारे पास क्या चला गया क्या चला जाएगा गाइस यहाँ से क्या गया और इधर से क्या गया ठीक है तो क्या जुड़ गया वॉइंट विथ अदर ठीक है तो बेंजीन और ये ज्वाइन हो गया अब इन्होंने कहा आपको आपको ये कहा एक आपका आया आ, कि आपको दिया है ब्रोमो बेंजीन आपको क्या दिया ओए ये इतने जल्दी कैसे आ गए आपको दिया है बेटा ब्रोमो बेंजीन ठीक है यू आर गिवन विद ब्रोमो बेंजीन ओके एंड दे से यू आर गिवन विद सी एच ओ एच इन दोनों को मिला के उन्होंने कहा है कि आपको बनाना है टॉलुविन आपको क्या बनाना है टॉलुन तो स्टेप वन क्या होगा सबसे पहले यहाँ पे एच बी आर तो ये बन जाएगा सी एच थ्री बी आर अब यह सी एच थ्री बी आर अब ये स्टेप टू में क्या होगा ये स्टेप वन टू मोल्स ऑफ एन ए डाल दिया तो ये वाला चीज और ये वाला चीज कंबाइन करके क्या बन जाएगा आ गया समझ में एग्जैक्टली सो यू आर अंडरस्टैंडिंग वॉट अ कन्वर्जन इज ओके एंड वाई डू आई टेक कन्वर्जन ओनली एट द एंड क्योंकि एंड में आते आते, आते आपको रिएक्शन 80 परसेंट याद हो जाता है जब रिएक्शन 80 परसेंट याद हो जाता है तो इट बिकम्स वेरी 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 इजी ठीक है अब बेटा नेक्स्ट वन वट हाँ जी बेटा ये देखिए ये वाला ये बहुत ऊपर चला गया ये 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 वाला ये वाला ये वाला ना नहीं सर ऊपर वाला ही ओके अब अब मुझे ये बताओ ग्रिगनाज रिएजेंट क्या होता है कोई बताओ व्हाट इज ग्रिगनाज रिएजेंट है ठीक है मैं पता है आई वॉन्ट वन पर्सन एनी वन पर्सन ऑफ योल जब ऐसे बोलता हूं ना तो कोई करता नहीं है मैं देखता हूं कि एनी वन पर्सन कौन होगा मेरे इस बैच का एनी वन ऑफ यर एम जी एक्स से जितने भी रिएक्शन आपके चारों चैप्टर में है वो आप मुझे एक पेज में लिख के भेजोगे RMGX वाले जितने भी रिएक्शन है क्या करोगे पेज में लिख के भेजोगे ठीक है ना ओके okay, अब देखते हैं कि मेरे पास कल तक किस किस का आता है ना सारे में से. हाँ, है ऑर्गेनिक के हार्डली ज्यादा से ज्यादा होगा टेन रिएक्शन से ट्वेल्थ तो रिएक्शन हाँ हाँ बेटा यस यस ओके ना अब बेटा ये हमारा ग्रिगनाज रिएजेंट है आर बी आर लिया आर बी आर को एम जी के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई वी गेट एन आर एम जी बी आर ठीक है वाई शुड द कंडीशन बी ड्राई बिकॉज इफ देर इज मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है एग्जैक्टली ये हमारा वॉटर इज एच एंड ओ एच आर एच बन जाएगा एलकेन बन जाएगा और दूसरा वाला क्या बन जाएगा आर एम जी ओ एच बी ठीक है सो दैट इज वाई ड्राई कंडीशन एंड अगेन अ क्वेश्चन दैट हैज ऑलरेडी कम इन द बोज बोज में ये क्वेश्चन आ चुका है कि वाई शुड द कंडीशन बी वॉट रहे right. ठीक है ओके एवरीवन सो दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर मैं बार ये रिपीट कर दो हां दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ये जो ब्लू वाला okay. लिखा है ना दैट इज ड्यू टू मॉइस्चर दैट इज व्हाई वी नीड टू प्रिपेयर इट इन एनहाइड्रस कंडीशंस ठीक है आप एक बार बोर्ड्स में एक बार बोर्ड्स में आपको दे दिया था कि सी एच थ्री सी एच टू बी आर है और आपको बनाना है सी एच थ्री सी एच थ्री ठीक है तो बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके किए ठीक है वन पर्सन डेड वर्ड वॉज डी जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है एक ने किया एलिमिनेशन रिएक्शन ठीक है एलिमिनेशन रिएक्शन किया तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू बना उसके बाद से उन्होंने कर दिया हाइड्रोजनेशन उसके बाद से उन्होंने क्या कर दिया हाइड्रोजनेशन देखो कन्वर्जन हो गया ठीक है दूसरे ने क्या किया दूसरे ने कहा कि भाई मैं ले रहा हूं एम जी मैंने एम जी डाल दिया तो ये सी एच थ्री सी एच टू एम जी बी आर बन गया अब मैंने इसमें डाल दिया मॉइस्चर मैंने इसमें डाल दिया मॉइस्चर अब मॉइस्चर डाल दिया तो बन गया क्या दोनों को मार्क्स मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए yes, दोनों का सही है मिलेगा ठीक है सो दिस बट द कन्वर्जन अगेन माय डियर फ्रेंड्स वी विल बी स्टक इन द कन्वर्जन टिल द टाइम वी डू नॉट नो द रिएक्शन

अगर ड्राई इथर में नहीं बना यू सी ऑरेंज बॉक्स इसीलिए बोझ में नहीं आता ओके सो इफ इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर सी इट फॉर्म्स एन एल्केन एंड एम जी ओ एच एक्स देन वी हैव आवर वुड्स रिएक्शन वुड्स रिएक्शन में हमारा आर 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 बन गया बट वी कैन नॉट मेक एन ऑड कार्बन मॉलिक्यूल इन दिस वाई कौन बताएगा वज रिश्चर एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये देखना एक आर एक्स है सक्षम से इंसान हाँ सक्षम दोनों दोनों ठीक है ये हो गया तो इटकुट फॉर्म एन आर आर इटकुट फॉर्म एन आर डैश आर डैश

Our haloarenes do not show nucleophilic substitution. Haloarenes do not show nucleophilic substitution, but it shows. OH But it shows what? But it shows Electrophilic. what? एग्जैक्टली exactly. ठीक exactly. है अब जरा देखते हैं इसी इसी डायग्राम में दोनों चीज प्रूव हो जाएगा ये यहां गया तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया ये पॉजिटिव हो गया ये यहां गया तो ये नेगेटिव हो गया ये यहां आया तो बेटा ये वाला यहां आ गया पैरा पे नेगेटिव आ गया ये भाई साहब यहां गए ये वाले यहां आए तो ऑर्थो हैज बिकम नेगेटिव ये वाले इधर आ गए ठीक है बेटा अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक जाना एक आना न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन का मतलब नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन का मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव किसके तरफ जाएगा किसके तरफ जाएगा ये न्यूक्लियोफाइल मेटा तो या पोज़ा। क्लोरीन को अटैक करेगा या मेटा को अटैक करेगा क्योंकि मेन तो क्लोरीन को ही हटाना है ना लेकिन क्लोरीन को हटाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट वाई इज इट डबल बॉन्ड ठीक है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया बिल्कुल एग्जैक्टली पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया बॉन्ड हैज बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग सो टू रिमूव दिस बॉन्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी जो अभी हम देखेंगे और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज है यहां पे नेगेटिव चार्ज है और यहां पे नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रोफाइल उनको अटैक करेगा रिलीज करवा देगा हाइड्रोजन को द हाइड्रोजन गेट्स रिलीज एंड द इलेक्ट्रोफाइल गेट्स अटैक दैट इज वाई इनो अरीम इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन विंस ओवर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ठीक है और बुक रिपीट लास्ट पार्ट लाइक पॉइंट दो तीन मिनट का पिछले दो तीन मिनट का फिर से देखना बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू रेजोनेंस देर इज अ कार्बन क्लोरिन डबल बॉन्ड कैरेक्टर एज वी नो डबल बॉन्ड इज व्हाट? स्ट्रॉन्ग ओके सो टू ब्रेक दैट बॉन्ड इट बिकम्स डिफिकल्ट सो बेसिकली इफ आई राइट टू वर्ड्स फॉर इट टू वर्ड्स फॉर इट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ठीक है सो रेजोनेंस से क्लोरीन और कार्बन के बीच में बॉन्ड हैज बिकम स्टेबलाइज सो बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग इफ द बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड दैट इज वाई इट डज नॉट वॉन्ट टू गो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन बट इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन करने में उसके लिए क्यों है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक थ्री पोजिशन वन पोजिशन ऑर्थो सेकेंड पोजिशन पैरा थर्ड पोजिशन थर्ड पोजिशन अगेन ऑर्थो ऑर्थो वाई वाई कैन इट अटैक दो देखना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया है तो इट कैन अटैक द द एंड पैरा दैरापोजिशन और वहां से हटाना किसको है सिर्फ हाइड्रोजन को ही तो हटाना है ठीक है सो हु विंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विंस ओवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो ये वाला पार्ट क्लियर क्या चीज़ बेटा कहाँ पे अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल ओनली इन द मेटापोजिशन और क्लोरीन को ये देखो अगर बेटा अगर अगर मैं दूसरा कलर यूज करता हूं सो दैट वी डू नॉट कंफ्यूज बहुत सारे कलर हो गए थर्ड so, दे नेगेटिव है ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है तो बेटा नेगेटिव चार्ज कहां पे कम है नेगेटिव चार्ज यहां पे कम है नेगेटिव चार्ज यहां पे कम है विच इज दोजिशन और यहां क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है सो इट कैन अटैक दीज ही पोजिशन ठीक है क्लियर एवरी वन सर ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स का एक हमने ब्लैक होल बना दिया है उसके चारों तरफ पता नहीं क्या क्या घूमते जा रहे हैं ओके okay, ना नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट देखो अब यह डायग्राम सेम है देखना देख लो डबल बॉन्ड कैरेक्टर डबल बॉन्ड कैरेक्टर डबल बॉन्ड जब डबल बॉन्ड हो जाता है तो कार्बन क्या होता है एस पी थ्री एस पी टू एस पी एस पी टू एसपी डबल बॉन्ड में ठीक है ओके okay. सो so, आपको ये क्वेश्चन पक्का आता है बहुत बार आ चुका है कि वाई डू अराइल हेलराइज और हेलो अरिंस आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेजोनेंस ठीक है रेजोनेंस के वजह से क्या हो गया बॉन्ड स्टेबलाइजेशन फिर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया इसमें एसपी टू है इसमें कौन सा है sp3 थ्री किसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है एस पी टू में यहां पर देखो थर्टी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट है इसमें सिर्फ ट्वेंटी फाइव परसेंट एस कैरेक्टर है ठीक है सो दिस इज द सेकेंड वन थर्ड वन इज फिनाइल कटायन फिनाइल कटायन क्या होता है वट इज अ फिनाइल कटायन यहां पर पॉजिटिव चार्ज विल इट बी स्टेबल वायवल वाइवल इट नॉट बी स्टेबल देखना डबल बॉन्ड इसको करने की कोशिश करेगा तो हमारा पॉजिटिव यहाँ आ गया डबल बॉन्ड इसको करने की कोशिश करेगा पॉजिटिव यहाँ आ गया डबल बॉन्ड न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा एग्जैक्टली so exactly. यानी कि हमारा पॉजिटिव चार्ज पूरे के पूरे फिनाइल में घूम गया पॉजिटिव चार्ज पूरे के पूरे फिनाइल में घूम गया तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा क्या हो Mutual जाएगा करना क्या हो जाएगा मुश्किल क्यों क्योंकि वो एक्स को तो छोड़ेगा ही नहीं एक्स को छोड़ेगा ही नहीं एक्स को अगर छोड़ेगा ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल आके करेगा भी क्या न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव एक्स नेगेटिव दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे रिपेल रिपेल ठीक है ओके okay, दो डबल एल डाल दिया सॉरी uh, तो तो बेटा पहले तो, बनाना पड़ेगा ना? पहले तो क्या बनाना पड़ेगा कैटायन बनाना पड़ेगा ना कैटायन बनाने के लिए इस भाई साहब को रिमूव करना पड़ेगा ये जाएगा ही नहीं तो कटाइन बनेगा कैसे आया समझ में क्लियर yes, yes. है ना अब देखना इसीलिए देखना ये जरा ध्यान से देखना टेम्परेचर जब सिर्फ क्लोरीन है उसमें हम ओ एच सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो लुक एट द टेम्परेचर एंड द प्रेशर 623 हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री कैलविन थ्री हंड्रेड एटमोस्फेरिक प्रेशर ओके डैन यू कैन डू अ सब्सटीट्यूशन कहाँ से लाओगे कितने पैसे खर्च करोगे इतना टेम्परेचर लाने के लिए इतना प्रेशर लाने के लिए जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज गोइंग टू बी स्पेंड सो देर इज नो कमर्शियल वायबिलिटी अब यहां पे मुझे ये बताओ व्हाई डिड द टेम्परेचर डिक्रीज व्हाई डिड द टेम्परेचर डिक्रीज सिक्स ट्वेंटी थ्री से फोर फोर्टी थ्री पे क्यों आया NO2 was attached to. So, it is an electron withdrawing group. So yaha pe jo so, double bond. Hai, the exactly. Jo double exactly. bond That double bond will be a weaker one. Why will it be weaker? Electron is going towards nitro. So, यहाँ पे डेंसिटी विल बिकम लेस यहाँ पे डेंसिटी विल बिकम लेस इफ द डेंसिटी बिकम्स लेस बॉन्ड इज वीकर एग्जैक्टली इफ द बॉन्ड इज वीकर वी नीड लेस एनर्जी आया बेटा ये लिखना क्यों बंद हो गया ओके ना सो ना एनर्जी अब बेटा अब यहां से यहां गए भाई टेम्परेचर और कम हो गया सेम रीजन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिग्रीज हो गई बेटा लेकिन और पे ही ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है सर वहीं पे तो नेगेटिव चार्ज। एग्जैक्टली आपका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से नेगेटिव चार्ज कहां पे आता है सिर्फ और और तो पैरा तो अगर हम इलेक्ट्रॉन ग्रुप ग्रुप इलेक्ट्रॉन ऑर्थो एंड पैरा पे लगाएंगे तो क्या होगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थैंक यू ठीक है अब जब तीनों पे नाइट्रो है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगा देखो देखो तीनों पे नाइट्रो ग्रुप है यानी कि जहां पे ऑर्थो पोजिशन पे डेल्टा नेगेटिव था पैरा पे डेल्टा नेगेटिव है ऑर्थो पे डेल्टा नेगेटिव है ये डेल्टा नेगेटिव नाइट्रो ने खींच लिया ये डेल्टा नेगेटिव नाइट्रो ने खींच लिया ये डेल्टा नेगेटिव नाइट्रो ने खींच लिया तो यहां वाला बॉन्ड क्या हो गया एग्जैक्टली सो वट डिड वी गेट वी गेट अजिली the temperature you just need so to sir, warm I mean less use your banana energy हां जी ठीक है तो ये so, आज Electron density increase नहीं होगी यहां पे नहीं बेटा ये देखना अभी जो हमने किया था अभी जो थोड़ी देर मैं मैं अपने उसमें जाता हूं उसमें जाता हूं ओके ये मेरा बेंजीन करेंगे यहां पे मेरा बेटा ये है और ये मेरा एक्स नेगेटिव है एक्स सॉरी लोन पेयर के साथ है अब सबसे पहले रेजोनेंस बनाते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये गया यहाँ पे बेटा तो ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा यहां पे आपका नेगेटिव चार्ज आ गया और ये यह यहां पे ऐसे आ गया ये 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 वाला स्ट्रक्चर आया समझ में ओके सो अ न्यू डायग्राम नाउ ओके सो न्यू डायग्राम में वी कैन सी दैट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज शिफ्टिंग ऑन ऑल दी कार्बनस

ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ कहां से रहा है यहीं से तो शिफ्ट होके आ रहा है यहीं से तो शिफ्ट होता जा रहा है यहीं से शिफ्ट होता जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक है तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो ये वाला जो चार्ज है यहां पे इट बिकम्स वीकर इफ इट बिकम्स वीकर इट इज इजियर टू ब्रेक दिस बॉन्ड Yes, sir. Yes, sir. अब आ गया समझ में yes, परफेक्ट अब अब ये नीचे वाला मत करना ये कभी जिंदगी में नहीं आया है सर हाँ जी बेटा तो तो फिर से बोल हा? मेटा? हाँ मेटा मेटा पे अगर लगा होगा तो क्या होगा ओके okay. ना वाला पार्ट मेरे बोर्ड में आया था कौन सा ये बोर्ड में ऐसे लिखवाया था स्कूल में क्या चीज ये वाला यस सर यस सर कट लो ये लो ऊपर वाला सबके मेटा वाला बता रहा हूँ ठीक है मेटा वाला भी बता रहा हूँ बेटा ओके नाउ सी लेट्स टेक वन बाकी तो आप लोग कर लोगे इफ आई के इफ आई टेक वन इफ आई टेक ओनली वन जहां पे मेरे पास

हाय गाइस, फर्स्ट शिफ्ट देखा ठीक है अब सेकंड शिफ्ट ठीक है थर्ड शिफ्ट फोर्थ शिफ्ट फिफ्थ शिफ्ट सिक्स्थ शिफ्ट सेवन वापस ठीक है अब हु अटैक हु इज अटैकिंग अ व्हाट इज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियो में कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव नेगेटिव ने इसको अटैक किया ठीक है अब कौन बताएगा क्यों अटैक किया उसको Sorry. Exactly। अब आपके पास बेटा आपके पास क्या होता है सर, क्यों अटैक किया मैं समझ ये क्या है बी आर है रिमेम्बर yes, हमने जो किया था ये बी आर था यहाँ पे कुछ भी है ठीक है ऐसे तो हमारा जो न्यूक्लियर है इसको इस कार्बन को अटैक करेगा जहां पे हमारा क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है भी जाके ये वाला बॉन्ड टूटेगा ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा ठीक yes, 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 है तो बेटा अब इसने ओ एच नेगेटिव ने इसको अटैक किया ठीक है तो हमारा ये बॉन्ड भी है अभी और ये वाला बॉन्ड भी है ये बॉन्ड क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है ये वाला बॉन्ड क्या, क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है Who is helping it out? This nitro is helping it out. ठीक yes, है एंड फाइनल स्टेप में क्या दिखाया है ये बी आर गायब हो जाएगा और ये ओ OH एच का बॉन्ड बन जाएगा देखो तो एक ही डायग्राम में आपका सब कुछ न्यूक्लियर फाइल ने अटैक किया तो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुआ शिफ्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुआ शिफ्ट ये देख रहे हो सेम शिफ्ट जो हमने वहां पे किए थे वही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट अब ये नेगेटिव यहां आया तो ये सी एल नेगेटिव क्या हो गया आपका ये देखना रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बेंजीन के रिंग पे कौन सा चार्ज बढ़ गया हेलो नेगेटिव बढ़ गया सी एल क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नेगेटिव से नेगेटिव रिपेल करेगा ये बॉन्ड ब्रेक होके चला गया कौन अटैच हो गया ठीक oh. है सब में वही चीज है अब ये देखना बेटा मेटा पोजिशन में ठीक है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हमारा कहा गया ऑर्थो एंड और पैरा पे ज्यादा है तो इसका मतलब क्या मेटा पे बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है होगा सर थोड़ा होगा हो बिल्कुल होगा अब ये नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा इसको अपनी तरफ खींचेगा ना ठीक है ना तो नाइट्रो ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा इट इफ इट द डबल बॉन्ड इज दे पाई इलेक्ट्रॉन इज दे लेट्स लुक एट लेट्स लुक एट ओनली द नाइट्रो ग्रुप आउट है ये देखना बेटा ये रहा ऐसे ये आपका नाइट्रो का ग्रुप है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ठीक है ये यहां शिफ्ट ये नेगेटिव ये पॉजिटिव अब ये नाइट्रोजन जो पॉजिटिव है वो क्या करेगा वट इज इट गोइंग टू डू इट इज गोइंग टू पुल दिस नेगेटिव आया सर कहा है मेडिकाले आज कै क्या रहे? एक हफ्ते के बाद मतलब ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री बिल्कुल ही गायब ही हो गया है फिर से देखना फिर से देखना ये द, दिस इज वट दिस इज बेनजिन करिंग या ये भी ये भी एक बार फिर से पूछना पड़ेगा ये और नो बेनजी करिंग है yes, sir. ये नाइट्रो का ग्रुप है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन ने oxygen. ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचा Yes, sir. Yes, sir. अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यस yes, सर विच yes, तो ये ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा यस yes, सर तो आपका अब आपके पास क्या क्वेश्चन था आई थिंक सो देव का था ना क्वेश्चन ये रहा आपका यहाँ पे यहाँ पे ये सी एल है और नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे है नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे है कौन अटैक करने आने वाला है ओ एच नेगेटिव इज कमिंग टू अटैक ओ एच नेगेटिव ओ एच नेगेटिव ने अटैक किया ठीक है ये नाइट्रो ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल किया क्या ये नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजिशन पे ये तो ऑर्थो ही बना दिया भाई ऑर्थो तो चलो पहले ऑर्थो तो पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा नहीं खींचेगा सर खींचेगा ये पक्का क्लियर है खींचेगा Yes, okay. जी सर ओके हम जी सर आप आते हैं बेटा आप आते हैं मेटा पोजीशन पे ठीक है ईस्ट मेक्स बेस ओके अब बेटा यहाँ पे Cl है नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे चीज़ हाँ जी बेटा सर हमारे एग्जाम्स में मैकेनिज्म तो इंपॉर्टेंट है ना ज्यादा वेटेज के नहीं आएंगे आप बेटा देखो एमसीक्यू पैटर्न होगा अभी भी देख रहे हो बोध वाले क्लियर कट नहीं बता रहे कि करेंगे क्या ठीक है तो पता नहीं क्या करेंगे इस बार क्या ही होगा पता नहीं 17 को फिर से मीटिंग है उनकी exactly. तो इस बार का ना बेटा मुझसे मत पूछो वही बताएंगे क्या होने वाला है ठीक है, तो पता नहीं क्या है क्या के चले गए। हाँ अब देखो बेटा ये इसको अटैक करेगा अब देखो इस नाइट्रो ग्रुप के पास क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है डबल बॉन्ड yes, का sir. मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं yes, ना sir. तो क्या यह पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है यस सर एग्जैक्टली इसीलिए इसीलिए अगर नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे भी लगा है तो देन ऑल्सो दल्कोहलिक ग्रुप कैन बी अटैच टू वट टू बेंजीन बाई रिमूविंग द क्लोरिन ठीक है इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्योंकि अगर ये देखना बेटा अगर ये यहाँ पे शिफ्ट होगा इसके वजह से तो ऑब्वियसली बात है यहाँ का जो लोन पेड़ है वो क्या होगा यहाँ पे शिफ्ट हो ही रहा था अब उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये सारा ऐसे मूव करता रहेगा तो रेजोनेंस तो ही रहा है रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा डबल बॉन्ड को रिमूव कौन कर रहा है ये वाला कर ही रहा है ठीक है तो इफ इज एन इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप का सबसे ज्यादा इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे होंगे मेटा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट होगा थोड़ा कम होगा बस इतना डिफरेंस है ठीक है ओके yes, सो okay. so, चलते हैं आगे ना अब अब बेटा ये तो ना ये ना अच्छे से सारे चारों चैप्टर में आते हैं यार ये प्लीज ये तो आज के आज ही बैठ के याद कर लेना अगर हमें क्लोरिनेशन करना है तो सी एल टू इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एफ सी एल टू विल एड द क्लोरिन टू बेंजीन रिंग विल ऐड द क्लोरिन टू द बेंजीन रिंग ठीक है अगर हमने ये वाला रिएजेंट लिया दिस इज नोन एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट तो नाइट्रो ग्रुप इज अटैच टू द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन। सल्फोनेशन में इन दोनों में से एक ही लेते हैं क्या लेते हैं सल्फोनेशन में ठीक है Thank. तो अगेन सल्फोनेट हो गया इट इज एडेड टू द ऑर्थो एंड पैरापोजिशन अब मैं एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा ठीक है कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं कौन बता सकता है तो वो तो टीचर ही बता सकते है, कौन सा क्वेश्चन सोचो ठीक है ये फ्रीडल क्राफ्ट एग्जैक्टली तो exactly, एक तो ये है कि ऑर्थो एंड पैरा पे क्यों लगा ये नहीं पूछ रहा एक और नहीं पूछ रहा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में द एलकाइल ग्रुप गेट्स अटैच टू दी ऑर्थो एंड पैरापोजिशन नहीं वो भी नहीं है देखते तुम लोग टीचर कौन कौन बनेगा ठीक है मैं एक क्वेश्चन नहीं, नहीं, नहीं पूछ नहीं रहा एग्जैक्टली ठीक है तो ये मेजर क्यों है ये माइनर क्यों है ये मेजर क्यों है ठीक है पे इसलिए मेजर है ठीक तो है।, है तो असाइल ग्रुप लग गया तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइल हो गया ठीक है अब यही यही सेम प्रिपरेशन कौन से चैप्टर में करोगे फिर से सेम प्रिपरेशन है ये क्या है वाले में एग्जैक्टली exactly. ठीक है चैप्टर खत्म yes, इसके बाद जो है इसके बाद जो है अच्छा ये अच्छा ये तो हमने कर ही लिया था ठीक है उसके बाद से यूजेज आ जाता है जो कि हमारे पास है नहीं ठीक है तो आउट ऑफ सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस एक बार ये कर लेते हैं यार तुम लोगों के साथ ये वाला कर लेता हो तो आई वेरी स्लो हाँ गाइज मैं ना बहुत स्लो चलाऊ इस बार इसमें लेकिन मुझे ना आप लोगों से एक चाहिए रिविजन ठीक है बताओ ए क्या होगा कौन बताएगा reactions. नहीं ए में क्या आएगा ये आएगा एमजीबीआर yes, पानी sir. डाल दिया यार इस पे भी पानी फेर दिया पानी फेर दिया तो क्या बन जाएगा और एम जी ओ एच बी आर सो दिस इज दिस इज नथिंग बट आवर कन्वर्जन हाँ यहाँ पे आपको ऐसे द ब्लैंक्स दिया है बस एग्जाम में कन्वर्जन में क्या होता है ये पूरा और ये दिया होता है बीच का कुछ नहीं दिया होता है बेटा यहाँ पे आर बी आर एम जी क्या बनेगा इज वट वट इज दिस एग्जैक्टली वी ठीक है अब ये आर डैक्स है ठीक है तो यहाँ पे आपका आर डैश क्या होएगा ये so वाला ये हमेशा क्या ये ये क्या है वुड्स है ना बेटा yes. ये एग्जैक्टली वुड्स exactly. है ना वुड्स है तो आधा कर दो आधा कर दो यानी कि ये 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 आर डेश क्या है सी एक्स इधर एक्सेक्टली सीएच थ्री सीएच थ्री और नीचे से भी क्या एक सीएच तो आपका अब ये जुड़ जाएगा इसमें एक बहुत ही मजेदार करते एग्जैक्टली अब ये डी क्या होगा यहाँ पेगा तो यानी किस इधर से सी एच थ्री और ऊपर से सी एच थ्री अब पानी डाल दिया अब क्या बनेगा सर एमजी एग्जैक्टली सी एच थ्री ये सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री एंड प्लस में क्या बन गया एम जी ओ एच एक्स ठीक है ओके yes, अब, अब 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 सिंस सिंस ये दिमाग में फ्रेश है ओके देखना दिमाग में फ्रेश है ना तो कन्वर्जन भी आपको कितना इजी होगा देखना और वही वही चार पांच दिन के बाद अगर करेंगे ना तो कैसे हो जाएगा अब ये बेटा ये वाला तो आपको एक स्पेशल वाला करना पड़ता है इथेनॉल टू टू ब्यूट वन इथेन, टू ब्रोमो इथीन करना है। ये इथेन है, ठीक है सी एच थ्री सी एच थ्री इससे आपको करना है, ब्रोमो इथिन तो रिडक्शन कर देंगे फिर एच बी आर का एडिशन क्या चीज पहले रिडक्शन करेंगे कैसे रिडक्शन करेंगे बताओ सर पीटी और मतलब प्लेटिनम और हाइड्रोजन को डालके या तो रिडक्शन कर देंगे तो बेटा का एडिशन करके एक चीज बताओ आपका रिडक्शन कैसे कर सकते हो वो तो ऑलरेडी आपका क्या हो चुका है ऑलरेडी सैचुरेट है भाई इथेन इथेन ऑलरेडी सैचुरेट है क्या करेंगे

सनलाइट में ब्रोमिनेट कर दिया ओके ये पा चलो आ गया समझ में तो कितने कितने मोल्स ऑफ ब्रोमीन से ब्रोमिनेट करोगे वन मोल वन बी आर टू से कर दिया तो ये हो जाएगा आपका सी एच टू बी आर एंड अ सी एच टू बी आर ठीक है अब क्या डालेंगे कि हमारा वहां पर डबल बॉन्ड बने एल्कोहलिक के ओ एच एल्कोहलिक के ओ एच क्या करता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन एंड एल्कोहलिक के ओ एच सिर्फ वन मोल लेंगे वन मोल लेंगे तो क्या होगा सिर्फ एक एच बी आर जाएगा अगर एक एच बी आर गया तो बन गया सीएच टू सी एच बी आर फिर से देखना वॉट यूल डेड वंस मोर टेक अ लुक एट दिस भाई नीचे क्वेश्चन okay. क्या था वी हैव इथेन वी हैव एन इथेन इथेन से हमें क्या बनाना है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच बी आर यह बनाना है तो सबसे पहला स्टेप क्या किया वॉज दस्ट स्टेप वी डिड अ ब्रोमिनेशन ठीक है ब्रोमिनेशन में हमारे पास क्या आ गया हमारे पास सी एच टू सी एच टू बी आर बी आर अब हमने वन मोल के ओ एच एल्कोहोलिक के ओ एच नॉट एक्वेस के ओ एच एल्कोहोलिक के ओ एच वन मोल से एलिमिनेशन कर दिया एलिमिनेशन कर दिया वन मोल से किया तो एक ही बी आर जाएगा और एक ही एच